तो कैसे आप लोग लोग तब तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से लेके आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले आज का इवेंट। तो आज का इवेंट में कुछ नया तो नहीं आया होगा, पर देख लेते क्या आया नया। एंड कुछ तो नया आया है, एंड देख लेते क्या क्या आया नया। एंड देख लेते हैं इस बार। भाई सबसे पहले तो डेली इवेंट में कुछ नहीं है, जो पहले था वही है। 7 डेज यहाँ पर दिखा रहा है, 14 डेज का इवेंट है ये। तो 7 डेज ऑलरेडी चला गया एंड 7 डेज ही बाकी है। तो इसीलिए गाइस कुछ नया इवेंट आई डोंट थिंक सो कुछ नया आया होगा, पर देख लेते क्या नया आया है। एंड यहाँ पर तो कुछ नहीं है। सबसे पहले पॉपुलर इवेंट में जाके देख लेते हैं। पॉपुलर इवेंट में फेस्टिवल एक्सचेंज है। तो फेस्टिवल एक्सचेंज मैंने यहाँ पर अपना जितना भी कॉफ़ी है वो एक्सचेंज कर लिया था। एंड और तो भाई कुछ नहीं है। अगर आप कॉफ़ी एक्सचेंज कर लिया था अपने वी स्टेशन वाउचर से, तो अगर आप वी स्टेशन वाउचर नहीं लिए तो फटाफट ले लो वी स्टेशन वाउचर, क्योंकि यहाँ पर 100 मिल रहा है। तो आप अगर आप ले सकते हो तो एटलीस्ट मैं तो यार 90 या फिर 80 तक तो 100% ले ही लेता हूँ। तो आप लोग भी उतना ले ही सकते हो। तो कैसे लोगे वो मैं आप सभी को हर वीक में बता रहा हूँ, किसमें आपको ज़्यादा कॉफ़ी मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। तो इस वीक में भी मैं बताऊँगा, लेकिन वो वीडियो के आखिरी में। तो और बाकी तो यहाँ पर जो है सेम है। एंड रिच लकी रिवॉर्ड में देख लेते हैं। रिच रिवॉर्ड में वही है, अगर आप ज़्यादा टॉपअप करते हो तो आपको ये सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। वीकली रिवॉर्ड में, वीकली टॉपअप में आपको वही है, अगर आप वीकली में अगर 12,000 टॉपअप करते हो तो आपको ये सारे के सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। बट आई डोंट थिंक सो कोई भी 12,000 टॉपअप करेगा। एंड बाकी के पोकेमॉन कन्वर्जन में जाके देख लेते हैं। पोकेमॉन कन्वर्जन में गाइज फाइनली आ चुका है पोकेमॉन कन्वर्जन में ओरिजिन म्यूटू। तो ओरिजिन म्यूटू बहुत ही लोगों को चाहिए था। एंड गाइज ओरिजिन म्यूटू है भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन। तो अगर आप कोई एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन का लेने का सोच रहे हो अपनी टीम में, तो आप 100% ओरिजिन म्यूटू को ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन है। पर गाइज यही है, इसको फुल्ली इवॉल्व करके एंड इसका गियर वगैरह फुल्ली सेट आप यूज़ करना, तो ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तो 100% इसे कंसिडर करूँगा। अगर आप लोग पास इतना वीप से अगर आपको एक अच्छा पोकेमॉन चाहिए अपने टीम के लिए, तो आप 100% इसके लिए जा सकते हो। एंड सेकेंड हम लोग चल के देख लेते हैं फेस्टिवल इवेंट में। तो फेस्टिवल इवेंट में सबसे पहले लकी टर्नल, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। एंड टाइम लिमिटेड डिस्काउंट में देख लेते हैं। तो गाइस इस बार टाइम लिमिटेड डिस्काउंट में बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपको ये सारे रिवॉर्ड चाहिए तो आप 300 डायमंड से ऊपर का टॉपअप कर सकते हो। एंड आप ये सारे रिवॉर्ड अपने डायमंड से ले सकते हो। भाई बहुत ही अच्छा इवेंट है, अगर होगा तो मैं भी टॉपअप कर लूँगा। पर भाई अभी टॉपअप करने का थोड़ा मुश्किल है, पर देखते हैं अगर होगा तो मैं ये ले लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। एंड बाकी के यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर गाइज अगर आप 10,000 डायमंड खर्चा नहीं करें तो क्या ही कर रहे हो गाइज। 10,000 डायमंड खर्चा करो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। मैंने 6,303 डायमंड खर्चा कर लिया है, जो कि मैं अभी एक बार भी टॉपअप नहीं करा हूँ इस वीक। फिर भी मैंने इतना डायमंड खर्चा करा। एंड मेरे पास ज़्यादा डायमंड था ही नहीं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक मेरे पास मे बी 2,000 और 3,000 था। तो उसी को मैंने मेंटेन करके इतना सारा मैंने कर लिया। तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड ऊपर से अभी जो अपडेट आया है, तो न्यू अपडेट के बाद सभी को 9,000 डायमंड प्लस मिले हैं। तो मुझे 9,300 समथिंग मिला था, आई डोंट नो आप लोगों को कितना मिला है। तो उस हिसाब से आप डायमंड यहाँ पर खर्चा कर सकते हो। एंड भाई ये सारे डायमंड खर्चा करके आपको ये दोनों टिकट मिलेंगे। एंड भाई गियर टिकट एंड स्किल टिकट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गियर टिकट। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। एंड बाकी के अब चलते कार्निवल टॉपअप में। कार्निवल टॉपअप में वही है, अगर आप टॉपअप करोगे तो भाई ये महंगा चीज़ है, ये सब मैं नहीं देखता। एंड बाकी के और सब तो नॉर्मल है। एंड यहाँ पर बी स्टेशन सी में आ चुका अल्ट्रा निकोर्ज़मा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है ये। अगर आप इसे फुल्ली इवॉल्व करके यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन इसे कह सकते हो। एंड भाई इसके बाद यहाँ पर क्रिम्सन म्यूटू भी है, क्रिम्सन म्यूटू बोल रहा हूँ, क्रिम्सन चारिज़ार्ड, ये भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। अगर इसे आप अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ यूज़ कर सको तो भाई बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है ये। बस वही आपको स्ट्रेटेजी थोड़ा अच्छा लगाना पड़ेगा। एंड भाई इस ये वाला पोकेमॉन आगे वाले पोकेमॉन को ज़्यादातर बर्न भी कर देता है। तो ये वाला पोकेमॉन अटैकिंग प्लस डिफेंस दोनों काम ही कर सकता है अच्छे से। तो आप इसे 100% कंसिडर कर सकते हो। एंड अगला पोकेमॉन हमारे पास लुगिया है। आई डोंट नो गाइज, आजकल मैं देख रहा हूँ लुगिया बहुत ही कम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिफेंसिव टाइप पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं। एंड लुगिया का
यूसेज इतना ज़्यादा कम हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। वरना लुगिया वॉज द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव पोकेमॉन इन द गेम, बट अब पता नहीं क्या हो गया है। एंड लुगिया को इवन इसका इवोल्यूशन स्टोन्स वगैरह आ गए, फिर भी लोग इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। पर मैंने देखा कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, तो मैं यूज़ नहीं कर रहा। मैं भी ये आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये यूज़ करो, क्योंकि गाइज अभी इससे बहुत ही अच्छे अच्छे पोकेमॉन आ गए हैं, तो आप लोग उसे यूज़ करो रैदर देन दिस। एंड बाकी का तो आप लोग खुद अपने टीम के लिए चूज़ कर सकते हो पोकेमॉन। एंड बाय बीस्ट एक्शन बी में आ चुका है हमारे पास गिराटिना। तो गाइज गिराटिना बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, अगर आप इसे कन्वर्जन करके यूज़ करो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन आप इसे कह सकते हो। मैं तो 100% आप लोग को बोलूँगा कंसिडर करने को ये वाला पोकेमॉन। भाई ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड भाई ये वाला पोकेमॉन को एक कैच है, आप इसे कैसे पकड़ना, तो सबसे पहले तो भाई गिराटिना आप लोग को मिरिकल एक्सचेंज से मिल जाएगा आपको इजीली। एंड इसका कन्वर्जन स्टोन इसका इवोल्यूशन स्टोन आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली कैचापॉन से मिल जाएगा। तो ये दोनों तो आप इजीली ले सकते हो, आप अपना विप्स खर्चा मत करो। एंड बाकी के भाई कन्वर्जन के लिए तो विप्स खर्चा करना ही पड़ेगा। एंड भाई इसका कन्वर्जन के बाद ये वाला बहुत ही ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन हो जाएगा। एंड उसके बाद इसका गियर, अगर आपके पास ज़्यादा वाउचर्स नहीं है तो इसका गियर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, पर अगर ले सकते हो गियर तो भाई ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी लोगे तो फिर भी चलेगा। ये वाला पोकेमॉन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड बाकी के अब नेक्स्ट पोकेमॉन देख लेते हैं। नेक्स्ट भाई सेलवेली आ चुका है। सेलवेली भाई क्या ही बोलूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टाइप पोकेमॉन मुझे लगता है, अटैकिंग प्लस डिफेंस। भाई इसका डिफेंस नेक्स्ट लेवल का, इतना अच्छा डिफेंस ये कर लेता है ये पोकेमॉन, तो इसीलिए अटैकिंग एंड डिफेंसिव टाइप बहुत ही अच्छा पोकेमॉन लगता है मुझे। एंड उसके बाद नेक्स्ट पोकेमॉन देख लेते हैं भाई स्टारलाइट गार्डिवर। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो ये मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा मैं नहीं। एंड भाई स्टील म्यूटो भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, बस वही है आपको फुल्ली इवॉल्व करके इसका फुल्ली गियर वगैरह ले करके इसे यूज़ करना पड़ेगा। एंड भाई स्टील म्यूटो से भी ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा डक्समैन ले लो। डक्समैन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन। ये भाई डिफेंसिव अटैक भाई सब कुछ कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, तो इसे 100% आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको कोई बहुत ही अच्छा पोकेमॉन, बहुत ही एक्स्ट्रा पोकेमॉन चाहिए तो डक्समैन ले लो, क्योंकि डक्समैन बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, बट बिलीव मी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है ये। एंड बाकी के आप बोनस इवेंट में चल के देख लेते हैं क्या आया है। एंड बोनस इवेंट यहाँ पर वही है, अगर आप 14 डेज तक लगातार 13 डेज तक अगर लगातार टॉप गेम को भी खोलोगे तो आपको ये सारे के सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। एंड वीप सेक्शन एक्सचेंज में वही है जो हमेशा आता है, वही नॉर्मल ही है। एंड अब चलते हैं हमारे लक्की टनल में, तो लक्की टनल में देख लेते क्या आया है। तो लक्की टनल में वॉल्केनियन गाइस, बहुत ही दिनों बाद वॉल्केनियन मैंने देखा, वॉल्केनियन आ गया है लक्की टनल में। तो अगर आप वॉल्केनियन लेना चाहते हो तो ले सकते हो अपने पॉकेटेक्स के लिए, लेकिन भाई मैं नहीं कहूँगा इसे यूज़ करो, क्योंकि ये उतना भी ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन नहीं है यूजेबल के लिए, पर आप वॉल्केनियन को कंसिडर कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम टोकन है, सुप्रीम टोकन में सेम ही है गाइस जो लास्ट टाइम आया था, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा। एंड बाकी के एडवेंचर में तो गाइस एडवेंचर में आप यहाँ पर अगर चैप्टर 13 में रूट 8 में भाई मुझे यहाँ पर आज बहुत ही अच्छे अच्छे कॉफ़ी मिले, लाइक 7-6 इवन भाई 7-8 शायद नहीं मिला था, आज मुझे 7-6-4 ऐसे ही मिल रहे थे मुझे कॉफ़ी, तो भाई यहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी मिला। इवन आज मैंने शायद 35 यहीं से मैंने कलेक्ट करा है, तो आप यहाँ से कॉफ़ी कलेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी का गाइस अब कुछ नया तो और आया नहीं है, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।